पुस्तकालय पुस्तकों का संभवतः अन्य सामग्रियों और मीडिया का एक संग्रह है जो इसके सदस्यों और संबद्ध स्थानों के सदस्य द्वारा उपयोग के लिए सुलभ है। पुस्तकालय भौतिक और या डिजिटल सामग्री प्रदान करते हैं और यह एक भौतिक स्थान है, एक आभासी स्थान या दोनों हो सकते हैं। एक पुस्तकालय के संग्रह में आमतौर पर मुद्रित सामग्री शामिल होती है जिसे उधार लिया जा सकता है और आमतौर पर प्रकाशनों का एक संदर्भ अनुभाग भी शामिल होता है जिसका उपयोग केवल परिसर के अंदर ही किया जा सकता है। फिल्मों, टेलीविज़न कार्यक्रमों, अन्य वीडियो रिकॉर्डिंग, रेडियो संगीत और ऑडियो रिकॉर्डिंग के वाणिज्यिक रिलीज जैसे संसाधन कई प्रारूपों में उपलब्ध हो सकते हैं। इनमें DVD, ब्लू-रे, CD, कैसेट या माइक्रोफोन जैसे अन्य लागू होते हैं। पुस्तकालयों का आकार बहुत अलग अलग हो सकता है और इन्हें किसी सार्वजनिक निकाय जैसे कि सरकार, कोई संस्था जैसे कि कोई स्कूल या संग्रहालय, कोई निगम या कोई निजी व्यक्ति संगठित और संचालित कर सकता है। सामग्री उपलब्ध कराने के अलावा पुस्तकालय पुस्तकालयों की सेवाएं भी प्रदान करते हैं जो सूचना की जरूरतों की व्याख्या करते हुए सूचना को खोजने, चुनने, प्रसारित करने और व्यवस्थित करने में प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं और विभिन्न संसाधनों के साथ बड़ी मात्रा में सूचना को नेविगेट और विश्लेषण करते हैं। पुस्तकालय भवन अक्सर अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र, साथ ही समूह अध्ययन का सहयोग के लिए सामान्य क्षेत्र प्रदान करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच के लिए सार्वजनिक सुविधाएँ भी प्रदान कर सकते हैं। पुस्तकालय के ग्राहक और सामान्य सेवाएँ उसके प्रकार के आधार पर भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की जरूरतें विशेष पुस्तकालय या अकादमिक या पुस्तकालय की जरूरतों से अलग होती है। पुस्तकालय सामुदायिक केंद्र भी हो सकते हैं जहां कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं और लोग आजीवन सीखने के लिए संकल्प हैं। आधुनिक पुस्तकालय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सुलभ सामग्री प्रदान करके भवन की भौतिक दीवारों में से एक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जिसमें इंटरनेट के माध्यम से घर से भी शामिल हो। पहचान और वर्गीकरण 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस IFLA ने ग्रंथ सूची और पुस्तकालय कैटलॉग में विवरणों का मानकीकृत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ सूची विवरण ISBD बनाया। प्रत्येक पुस्तक को एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या या ISBN द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जिसका अर्थ है कि यह दुनिया भर में भाग लेने वाले प्रकाशकों द्वारा निर्मित प्रत्येक पुस्तक के हर संस्करण के लिए अद्वितीय है। इसे ISBN सोसाइटी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एक ISBN के 4 भाग होते हैं। पहला भाग देश कोड होता है, दूसरा प्रकाशक कोड और तीसरा प्रकाशक शीर्षक कोड है। अंतिम भाग एक क्षेत्र अंक होता है और यह 0 से 9 और X के मान ले सकता है। पुस्तकों के लिए EAN बारकोड संख्याएँ ISBN से बुकलैंड के लिए 978 उपसर्ग करके एक नया चेक अंक की गणना करके प्राप्त की जाती है। औद्योगिक देशों में वाणिज्यिक प्रकाशक आमतौर पर अपने पुस्तकों को ISBN देते हैं, इसलिए खरीदार यह मान सकते हैं कि ISBN बिना किसी अपवाद के कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का हिस्सा है। हालांकि औद्योगिक और साथ ही विकासशील देशों में कई सरकारी प्रकाशक ISBN प्रणाली में पूरी तरह से भाग नहीं लेते और ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं जिनमें ISBN नहीं होते। एक बड़े या सार्वजनिक संग्रह के लिए एक सूची की आवश्यकता होती है। कॉल नंबर नामक कोड पुस्तकों को सूची से जोड़ते हैं और अलमारियों पर उनके स्थान निर्धारित करते हैं। कॉल नंबर लाइब्रेरी वर्गीकरण पर आधारित है। कॉल नंबर को पुस्तक के रीढ़ पर रखा जाता है, आमतौर पर नीचे से थोड़ी दूरी पर, और अंदर संस्थागत या राष्ट्रीय मानक जैसे
TENCNNCI NISO Z 39.41 से 1997 पुस्तक की रीढ़ पर और सेल वेब पुस्तक जैसी वस्तुओं जैसे कि DVD, वीडियो टेप और सॉफ्टवेयर के लिए कंटेनरों पर जानकारी जैसे शीर्षक या लेखक का नाम रखने का सही तरीका स्थापित करते हैं। पुस्तकों को सूचीबद्ध करने के सबसे प्रारंभिक और सबसे व्यापक रूप से ज्ञात प्रणालियों में से एक डेवी दशमलव प्रणाली है। एक अन्य व्यापक रूप से ज्ञात प्रणाली लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण प्रणाली है। दोनों प्रणालियां उन विषयों के प्रति पक्षपाती जो उनके विकसित होने के समय अमेरिकी पुस्तकालयों में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किए गए थे और इसलिए इसलिए नए विषयों जैसे कंप्यूटिंग या अन्य संस्कृतियों से संबंधित विषयों को संभालने में समस्याएं हैं। पुस्तकों और लेखकों के बारे में जानकारी ऑनलाइन सामान्य रुचि पुस्तकें डेटाबेस जैसे डेटाबेस के संग्रहित की जाती है। मेटा डेटा जिसका अर्थ है डेटा के बारे में डेटा, एक किताब के बारे में जानकारी, किसी पुस्तक के बारे में मेटा डेटा में उसका शीर्षक ISBN या अन्य वर्गीकरण संख्या, योगदानकर्ताओं के नाम, लेखक, संपादक, चित्रकार और प्रकाशक, इसकी स्थिति और आकार, पाठ की भाषा, इसकी विषय वस्तु आदि शामिल हो सकते हैं। वर्गीकरण प्रणालियाँ संरक्षण, यह खंड पुस्तकों, पांडुलिपियों, दस्तावेजों और पंचांगों के संरक्षण और पुनरुद्धार से एक अंश है। पुस्तकों, पांडुलिपियों, दस्तावेजों और पंचांगों का संरक्षण और जीर्णोद्धार मुख्य रूप से कागज, चर्म पत्र और चमड़े से बनी ऐतिहासिक और व्यक्तिगत मूल्य की वस्तुओं के जीवन को बढ़ाने के लिए समर्पित एक गतिविधि है। जब सांस्कृतिक विरासत पर लागू किया जाता है तो संरक्षण गतिविधियां आमतौर पर एक संरक्षक द्वारा की जाती है। संरक्षण का प्राथमिक लक्ष्य वस्तु के जीवन काल को बढ़ाना है और साथ ही सभी परिवर्धन को प्रतिवर्तीय रखते हुए इसकी अखंडता को बनाए रखना है। पुस्तकों और कागज के संरक्षण के में बुक बाइंडिंग, जीर्णोद्धार, कागज रसायन विज्ञान और संरक्षण और अभिलेखीय तकनीकों सहित अन्य सामान्य सामग्री प्रौद्योगिकियों की तकनीकें शामिल हैं। पुस्तक और कागज संरक्षण का उद्देश्य हैंडलिंग अंतर्निहित दोष और पर्यावरण के कारण। पुस्तकालय पुस्तकों का संभवतः अन्य सामग्रियों और मीडिया का एक संग्रह है जो इसके सदस्यों और संबद्ध स्थानों के सदस्य द्वारा उपयोग के लिए सुलभ है। पुस्तकालय भौतिक और या डिजिटल सामग्री प्रदान करते हैं और यह एक भौतिक स्थान है, एक आभासी स्थान या दोनों हो सकते हैं। एक पुस्तकालय के संग्रह में आमतौर पर मुद्रित सामग्री शामिल होती है जिसे उधार लिया जा सकता है और आमतौर पर प्रकाशनों का एक संदर्भ अनुभाग भी शामिल होता है जिसका उपयोग केवल परिसर के अंदर ही किया जा सकता है। फिल्मों, टेलीविज़न कार्यक्रमों, अन्य वीडियो रिकॉर्डिंग, रेडियो संगीत और ऑडियो रिकॉर्डिंग के वाणिज्यिक रिलीज जैसे संसाधन कई प्रारूपों में उपलब्ध हो सकते हैं। इनमें DVD, ब्लू-रे, CD, कैसेट या माइक्रोफ्रोम जैसे अन्य लागू होते हैं। पुस्तकालयों का आकार बहुत अलग अलग हो सकता है और इन्हें किसी सार्वजनिक निकाय जैसे कि सरकार, कोई संस्था जैसे कि कोई स्कूल या संग्रहालय, कोई निगम या कोई निजी व्यक्ति संगठित और संचालित कर सकता है। सामग्री उपलब्ध कराने के अलावा पुस्तकालय पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवाएं भी प्रदान करते हैं जो सूचना की ज़रूरतों की व्याख्या करते हुए सूचना को खोजने, चुनने, प्रसारित करने और व्यवस्थित करने में प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं और विभिन्न संसाधनों के साथ बड़ी मात्रा में सूचना को नेविगेट और विश्लेषण करते हैं। पुस्तकालय भवन अक्सर अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र
साथ ही समूह